सो गाइज इट्स नाउ टाइम टू से गुड बाय जम्बू कात्रा। और ये हमारा होटल था भवानी, जहाँ पे हम रुके थे। बहुत ही अच्छा होटल सर्विस हमें मिला। और अभी हम निकल पड़ेंगे कश्मीर के लिए, श्रीनगर पहुँचेंगे। और हमारा जो व्हीकल है, हमने स्कॉर्पियो बुक किया है, स्कॉर्पियो भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो स्कॉर्पियो से हम जाएंगे, और अगर इसका सर्विस भी अच्छा रहा और रेट वगैरह सारा डिटेल में आप लोगों से शेयर किया जाएगा। तो अभी श्रीनगर वाला जो ब्लॉग आने वाला है, उस पर आप लोग बने रहना, काफ़ी कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। सो गाइज अभी ऑन द वे टू श्रीनगर, और जाते जाते अभी रुक गया ब्रेकफास्ट के लिए। आप देख सकते हो मेरा मोबाइल यहाँ पे रुका हुआ है। और ये हाईवे पे ढाबा, ऐसे ढाबा आपको बहुत सारे मिलेंगे जाते हुए। अगर आप लोग ब्रेकफास्ट करना चाहो तो कर सकते हो। और ब्रेकफास्ट करते हुए अगर थोड़ा सा आप लोगों को इस तरफ दिखाऊँ तो ऐसा ही लगता है कि अंदर क्लाउड देखो नीचे है, बाकी मतलब पूरा क्लाउड नीचे है। ये आप देख सकते हो कोहरा से भरा हुआ है, और साथ में क्लाउड भी है, नीचे है। हम ऊपर चढ़ रहे हैं अभी, और चढ़ाई करेंगे। अभी तो ठंडा कुछ भी नहीं, आगे चल के तो हालत और ढीला होने वाला है। और इतना मतलब शांति लग रहा है ना, मैं क्या बोलूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सिटी लाइफ से बहुत ही हटके है। क्या व्यू है, जो एरिया है ना, मतलब भगवान ने अपने हाथों से सजा के रखा है, ऐसा लग रहा है। आप लोग जब भी आओगे ना, ये मज़ा ज़रूर लेके जाना। और मैं इसीलिए रुका इस ढाबे पे ताकि मैं ये पूरा मज़ा ले पाऊँ। एकदम मतलब हसीन वादियों में मैं चले आए, एकदम हसीन वादियाँ है एकदम। तो आप लोग जब भी आओगे तो आप लोग भी ये वादियों का मज़ा ज़रूर लेना। बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये रोड बहुत अच्छा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा रोड होगा। तो इतना अच्छा रोड बन गया है। आप सड़क को अगर थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊँ ना, तो आप लोग भी समझ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम वेल मेंटेन। मतलब जितना भी सफ़र किया हो ना, करीब करीब 30-40 किलोमीटर चल गया, तो बहुत ही बेहतरीन था। कोई भी मतलब रास्ता ख़राब नहीं था। और अब हम जो रेस्टोरेंट पे रुके हुए हैं, उसके हम ढाबा भी कह सकते हो, इसका नाम इधर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। चाहो तो इस पर भी रुक सकते हो। या फिर मैं अभी आलू पराठा खाऊँगा ब्रेकफास्ट। आलू पराठा का जो कॉस्टिंग है वो करीब करीब एक प्लेट का आया है 50 रुपये। इस पर आपको छोले का दाल मिलेगा और साथ में आलू पराठा। और थोड़ा आगे जाऊंगा तो कश्मीर का फेवरेट चाय मिलेगा, जो कि हम मैं पीऊँगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। वो नमकीन चाय होता है, कश्मीरी लोग उस चाय को ज़्यादा पीते हैं। तो अगर आप कश्मीर आ रहे हो और वो चाय नहीं पिया तो कैसे होगा। तो चाय भी आपको पी के ही जाना। हाईवे नेक्स्ट मिनी पे है, और ये है श्रीनगर के जाने के लिए रास्ता हाईवे। और अभी कश्मीर पहुँचे भी नहीं। अभी व्यू देखो भाई, ये व्यू देखो, व्यू देखो आप लोग, क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। मतलब भगवान ने शायद इसको अपने हाथों से इस तरीके से सजाया है आप लोगों के लिए कि आप लोग आओगे तो ये जन्नती दिखेगा। मतलब भयंकर है। अभी तक श्रीनगर बहुत दूर है, ऑन द वे है। अभी सिर्फ खाने के लिए यहाँ पे एक ढाबे पे रुके हुए हैं हाईवे नेस्ट मिनी में। मगर व्यूज़ देख के तो मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। श्रीनगर ऑन द वे हूँ, और ब्रेकफास्ट करने बैठा हूँ ढाबे पे, जिस ढाबे को बाहर से दिखाया था। और ये देखो आलू पराठा आया। ये आलू पराठा बहुत टेस्टी बना है, छोले के साथ तो और भी अच्छा लग रहा है। तो अभी खा लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कैनल कितना साल पुराना है? 5 साल पुराने है। अच्छा, ये कितना किलोमीटर होगा? 9.5 किलोमीटर। अरे बाबा, अरे बाबा, ये क्या कश्मीर आते हुए हर किसी को इसी रूट से होते हुए जाना है ना? यही। तो आज से 5 साल पहले जो टूरिस्ट आए होंगे उनको तो ये कैनल नहीं दिखा होगा? ना ना ना। अच्छा, तब अलग ही रोड था। तब अलग ही रोड था। अभी तो होलिया बदल गया, पूरा होलिया बदल गया। तो गाइस 15 मिनट का रास्ता है। अच्छा, रोड था इसका। हाँ, उसको 2.5 घंटे लगते थे। अच्छा, पहले आप 15 मिनट में निकल जाते हैं। तो गाइज मैं यही बताना चाहूँगा, ये जो कैनल है ये 5 साल पहले बना हुआ है। उससे पहले जो टूरिस्ट आए होंगे कश्मीर, उनको ये कैनल नहीं मिला होगा। तो हम अभी 9.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड से होकते हुए निकले। एक अलग ही एक्सपीरियंस था मुझे, मैं इतना बड़ा कैनल से कभी बाईपास नहीं हुआ। तो आप लोग जो भी इस कैनल को देखे हो या जो भी नहीं देखे हो, सारे लोग कॉमेंट पे ज़रूर बताना। कतरा से कश्मीर का डिस्टेंस कितना होगा श्रीनगर का? 280 किलोमीटर टोटल। और अभी हम कितना किलोमीटर आ गए? 100 से ऊपर आ गए। 100 से ऊपर आ गए।
तो अभी पहुंचने में जम्बू कतरा से पहुंचने में टोटल टाइमिंग कितना लगता है ट्रैफिक मिला के बाय रोड से या कतरा से? हाँ कतरा से श्रीनगर कम से कम लगेंगे 6 घंटे 6 घंटे क्योंकि कश्मीर का जाने का जो रास्ता है वो बहुत डेवलप हो गया पहले से। बहुत डेवलप हो गया, मतलब मुझे तो आने से पहले ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मुश्किल से पहुंचूंगा, मगर अभी तो लग रहा है कि जन्नत तो सुना था, रास्ता भी जन्नत बना दिया। हाँ, ये सही बात है। देखो जब पहले जम्मू जाते थे ना हम, हाँ, पूछो मत कितने कपड़े उठाने होते थे, कमले वमले सब कुछ। अच्छा, 15 घंटा 16 घंटे लगते जाते। अच्छा, यहाँ से जम्मू जाने में इतना ट्रैफिक जाम होता था। अच्छा, रास्ता खराब। अभी तो 5 से 6 घंटे में आराम से पहुंच जाते हो। अभी कश्मीर पहुंचा भी नहीं और कश्मीर का नजारा आप लोगों को ऑन रोड दिखा रहा हूं। ये देखो नीचे पानी, क्या कलर है पानी का, देखो रोज बोलते जैसा है, पूरा स्विट्जरलैंड का फीलिंग दे रहा है यहाँ का पानी। और ये देखो पर्वत, ऊपर पर्वत नीचे पानी, ठंडी ठंडी मौसम, दिसंबर महीने का मजा आ गया। अभी जाते जाते ही ऐसा दृश्य देखने के लिए मिल रहा है जो कि आई प्लीजिंग नज़ारा है। ये एक्सप्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है बातों से, जब आप आओगे तब आप फील करोगे और इस नज़ारा का, इस ब्यूटी का, इस नेचर का आनंद ले पाओगे। श्रीनगर स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, तो इस जगह का क्या नाम है? काजी गोंडा। अच्छा, तो यहाँ से श्रीनगर का स्टार्टिंग पॉइंट। तो गाइज अभी भी चल रहा हूँ श्रीनगर पहुँचने के लिए। अभी जो खड़ा हूँ इसको भी आप ऑलमोस्ट श्रीनगर ही कह सकते हो, मगर अभी भी 72 किलोमीटर हाईवे है श्रीनगर। अभी हम यहाँ पे हाईवे में रुके हुए हैं। अब नज़ारा देखो भाई, क्या बताओ आप लोगों को, जब आओगे आप लोग भी फील करोगे। ये सब बोल के एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है नहीं। ठंड है, अच्छा खासा ठंड है, मगर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा श्रीनगर के ओर ठंड और बढ़ेगा, और जैसे जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग और देवगाम जाएंगे तब तो वहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट माइनस हो सकता है ऐसा हम लोग अंदाज़ा कर रहे हैं, क्योंकि बर्फ़बारी हो रहा है वहाँ पे, बर्फ़ गिरा हुआ है। बाकी तो जाने के बाद ही एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा, मगर फिलहाल मैं अभी श्रीनगर से केवल और केवल 70 किलोमीटर रहे हुए हूँ। अभी ऑन द वे हूँ, कतरा से निकला था सुबह, अभी 6 घंटे में अब और 1 ही घंटा बाकी है, 6 घंटे लगता है जाने में, तो 5 घंटा हो गया है, तो और 1 घंटे बाद हम पहुंच जाएंगे श्रीनगर। तो गाइस फाइनली श्रीनगर आके पहुंच गया। अभी है खाने का बारी, तो एक ढाबा है इससे हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया, और ढाबा का पूरा एड्रेस आप लोगों को इस वीडियो पे मिल जाएगा। पहले खाना देख लो, हम पूरे फैमिली ने मिल के खाना ऑर्डर किया। मैंने यहाँ पे बटर रोटी और दाल मखनी, और यहाँ पे आया है डोसा, मसाला डोसा, यहाँ पे आया है छोले भटूरे, और यहाँ पे वेज बड़े। सारे ऑर्डर खाने का जो क्वालिटी है दिखने में जबरदस्त दिख रहा है, तो देखता हूँ खाने के बाद आप लोगों को एड्रेस भी बता दूंगा। सो गाइस श्रीनगर पहुँचने के बाद हम लोगों ने जो खाना खाया है वो है कृष्णा विष्णु ढाबा। बहुत औसम खाना था, औसम मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल खाना था। तो आप लोगों को मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा, अगर श्रीनगर रहते हो तो विष्णु ढाबा पे, कृष्ण विष्णु ढाबा पे ज़रूर खाना। ये वाला एक है, और उनका और एक शॉप है इस तरफ, जब उस तरफ पूरा फिल हो जाता है तो इस तरफ लोगों को बुला के लाते हैं। तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे आके एक बार खाना खाना अगर श्रीनगर आते हो।